काफी लोग सोचते हैं कि सर्जन्स बहुत ज्यादा मतलब सोचते हैं है कि पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं तो व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट एंड एक थोड़ा हम हटके एक चीज पूछने वाला हूँ आप मैं आपसे कि मैम कब मिले थे वी बोथ हैड क्लियरड आवर यूएसए एमएल वी हैड क्लियरड आवर यूके एग्जाम्स कि मेरे प्रोफेसर थे हर वक्त कहते थे दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग अभी बीच में नेक्स्ट काफी लोग ये हो गए थे ने, करो, करो। तो तो आपको क्या लगता है कि अगर आ जाता, तो मतलब ये दिक्कत हो जाएगी क्या स्टूडेंट्स के लिए नहीं आएगा अपने अंदर तब तक लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं ला पाओगे स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं और कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो प्रॉफ्स के लिए होती है एज कॉलेज एग्जाम्स के लिए तो काफी ये होते कुंजी उनको कुंजी कहते हैं वो वाली बुक्स है सो हे वेलकम बैक टू चैनल कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ़ एंड आज हमारे गेस्ट हैं आप सब ऑलरेडी जानते हैं डॉक्टर रोहन खंडेलवा सर सब पहले थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर हैविंग मी योर टॉक शो बिकॉज सर इतने ज्यादा बिजी हैं इतने महीने से हम ट्राई कर रहे थे बट फाइनली एंड अभी भी काफी ज्यादा सर बिजी हैं अभी बहुत स्पेशल टाइम निकाल के आए हमारे लिए एंड सर ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानेंगे और थोड़ी डेफिनेटली स्टूडेंट्स को एडवाइस आप अपने इस पॉडकास्ट के दे सकते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए आप इंस्पिरेशन सबसे पहले मैं से स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप इंस्पिरेशन है आपको भगवान समझते हैं सब सच तो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई आई एम जस्ट एन अदर नॉर्मल पर्सन लाइक यू जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस आउट थिंग्स इन माई लाइफ आई लाइक टू ट्रीट माई पेशेंट्स लाइक टू टीच एंड लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली ज माई प्रायरिटी एंड एज अ डॉक्टर आप टीचर भी है एंड एज प्रोवाइड करो आप इन्फॉर्मेशन सारे एडुकेशन जो बहुत क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को उससे ज्यादा मेरे जितने भी सीनियर्स मैं समझता हूँ स्टूडेंट हूँ फाइनल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ऐसा हो गए बस की सर की वीडियो के बिना तो हो नहीं पाएगा काम ऐसा हो गया तो आपका क्या रिएक्शन रहता है इन सब चीजों में प्यार मिलता है एंड जो भी प्यार है जो भी अप्रिसिएशन आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट एंड द फीडबैक विच वी गेट फ्राम यू द लव विच वी गेट फ्राम ऑल ऑफ यू दैट इज वॉट इज पुशिंग अस टू डू बेटर मैम के थ्रू मैं पैथो पढ़ता हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिल जाता है प्रॉफ के लिए भी एंड पी जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है सेकंडली सर पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ हाउ आर यू सो एक्टिव एंड फिट ये कैसे है सर साथ मेरा हीमोग्लोबिन सत्रह है एंड uh, हर तीन महीने मुझे ब्लड डोनेट करने को बोला जाता है सारी चीजें करते रहते हैं एंड काफी ज्यादा वायरल हो गया था वो तो मैं देखता हूँ डॉक्टर फिट रहना भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है So, you, do you exercise? Do you go to gym? No. So, I uh, don't go to the gym, but uh, in summers I swim. I do yoga three times a week, and I play cricket two to three times a week. That is my exercise. I don't uh, use the lift at all. So, on an average, I climb 20 flights of stairs, uh, and I run upstairs. Means, even if you ask my juniors, um, I run upstairs. So, that's my exercise. ऐसे फिट होना चाहिए मतलब काफी स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाते जितना आपने बता दिया मुझे मैं भी नहीं कर पाता इतना and, uh, question, कि मतलब आपने इस ब्रांच में आपने क्यों सो मल्टीपल रीजनोर्स आई वॉज वेरी क्लियर आई वॉन्टेड अंडर ग्रेजुएशन एंड वॉज इन्फ्लुस्ड बाई माई मादर हुनिकॉजिस्ट इज अर्जन एंड माई टीचर्स सो जो मेरे प्रोफेसर थे सबदरजंग में वो भी ब्रेस्ट सर्जन थे तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उधर से है थोड़ा इन्फ्लुएंस है कि मेरी फैमिली में कई लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है मेरी एक बहुत क्लोज दोस्त है उसकी मदर और उसकी मदर की रियल सिस्टर बहुत पास से अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सो दैट इज अनादर मोटिवेशन प्लस दिस वॉज अ ब्रांच विच गेव मी अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस सो दैट आई कुड कंटिन्यू टीचिंग विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू स सर पहली बात तो सर आप टीचिंग साथ साथ कर रहे हो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेटर मतलब मैं भी जब फाइनल में जाऊंगा मैं भी देखूंगा एंड मैम भी सेकंड ईयर में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है एंड ये आप नहीं करते तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती तो थैंक यू सर पेरेंट्स के लिए एंड uh, एक और इम्पॉर्टेंट बात सर जैसे uh, अगर मैं बात करूँ इंडिया में प्रैक्टिस करने का तो आपने मतलब वाई इंडिया मतलब आपने ये चूज़ किया कि इंडिया इज़ बेटर फॉर प्रैक्टिसिंग एज अ सर्जन या फिर बाहर ज़्यादा बेटर है देखो अपॉर्चुनिटीज हर जगह है तो एक ये जो कंपैरिजन है इंडिया का बाहर का इट इज वेरी इट्स अ पर्सनल चॉइस ठीक है कई लोगों को ज्यादा आसानी बाहर होगी कईयों को ज्यादा इंडिया में होगी सो वॉटर इज बेटर फॉर यू इन द लॉन्ग रन यू शुड चूज दैट वी बोथ हैट हम दोनों जिस प्रकार के हैं वी आर वेरी सोशल वी लाइक टू मीट पीपल

ठीक है सो उधर वर्क लाइफ बैलेंस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस और एम्फेसिस शुरू से दी जाती है हम लोग को प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करना है तो हमें खुद की प्रायोरिटीज डिफाइन करनी बहुत जरूरी है ठीक है सो लाइक आई मेंशन दिस प्रीवियसली एज वेल कि जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की राइट इनिशियल फ्यू इयर्स आई डिड इवनिंग ओपीडीज बट व्हेन वी वर एक्सपेक्टिंग रूहानी आई वाज वेरी क्लियर

तो देखो मेरी बात सुन के चाहे दो तीन दिन मोटिवेट हो जाओगे राइट right बट जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा अपने अंदर तब तक लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं ला पाओगे और डिसिप्लिन आता है छोटी छोटी चीज को बार बार करने से राइट दैट इज वॉट इज गोइंग टू गिव यू लॉन्ग टर्म गेन्स तो डिसिप्लिन नहीं होता इस तो स्टूडेंट्स में बिल्कुल नहीं होता आज की डेट में नहीं कर पाते इतना थ्रू आपकी जो हेल्प हो रही है उसी के थ्रू काफी लोग इससे बुक की जाएगी सीधा वीडियोस देख ले तो मतलब आप उसके लिए क्या बोलना चाहते हो कि मतलब ठीक है नहीं देखो मैं उस जनरेशन का हूँ जहाँ पे हम लोगों ने बुक्स पढ़ी थी ठीक है एंड मैं अपनी सारी वीडियोस में आई ऑलवेज से दिस दैट प्लीज वीडियो देखो जरूर देखो बट बुक भी खोलो बिकॉज बुक के थ्रू जो लर्न करने का मजा है दैट इज डिफरेंट दैट गिव्स राइज टू मच लॉन्गर टर्म रिटेंशन एंड कई ऐसी लाइंस होती हैं कई ऐसे केसेस होते हैं जो आपके दिमाग में रह जाते हैं एंड दैट इज व्हाट हेल्प्स यू इन सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस एंड ट्रीटिंग मोर पेशेंट्स सो थोड़ा समय निकाल के बुक पढ़नी जरूरी है चाहे पूरी ना पढ़ो सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो, पढ़ो uh, स्टार्टिंग hmm. तो है है में तो कुंजी तो कुंजी कहते हैं तो स्टार्टिंग में जोश होता है कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे उसके धीरे धीरे आते आते लास्ट में हो जाता है ठीक है जल्दी जल्दी नंबर नहीं आ पा रहे क्योंकि ऐसा मतलब मैंने ऐसा फील भी किया है ऐसा है कि स्टैंडर्ड बुक्स ना आंसर लिखा नहीं जाता तो ऐसा उसके लिए मतलब क्या दोनों बुक करें या सीधा वीडियोस के फिर देखो हमारे टाइम पे ना ऐप होती थी ना वीडियोस होती थी ठीक है ना ही ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो कुंजीज कह रहे हो उनसे पढ़ा है।, okay. right? so, so, you know, है मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स फाइंड दिस ईजियर कि हमने ऑलरेडी नोट्स लिए हुए हैं उनको पढ़ लेंगे वीडियो देख लेंगे बट मेरी रिकमेंडेशन तब भी रहेगी कि थोड़ी बुक खोल के देखो ज्यादा मजा आएगा यू you नो know, पढ़ने की एक आदत बनेगी जिससे काफी फर्क पड़ता है आदत तो डालनी पड़ेगी थोड़ा <laughs> करने है। सर, थोड़ा एक अलग टॉपिक पे चलते हैं कि जैसे कि कैंसर पेशेंट्स आते होंगे आपके पास काफी सारे तो मतलब जैसे अर्ली स्टेज वाले भी आपने जैसे डायग्नोज हुआ तो आप मतलब पहली बार में मतलब कैसे डील करता हूँ उनके साथ थोड़ा टाइम राइट सो दैट इज समथिंग यू नो आई हैव फ्रॉम अब्रॉड एंड द वे बाहर अमेरिका यूके में वो पेशेंट से बात करते हैं डील करते हैं कैसे डायग्नोसिस रिवील करते हैं उनको कैसे कंफर्टेबल करते हैं दोज आर थिंग्स टू पिकअप फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड राइट स्किल वाइज आई वु सेक्वली गुड सर्जिकली बट जो ये तौर तरीके हैं जो सॉफ्ट स्किल्स है दो आर वेरी इंपॉर्टेंट सो ऑफकोर्स कैंसर पेशेंट की पूरी फैमिली एंक्शियस होती है राइट एंड दे गो थ्रू दिल्ली डिनाइल होता है उनको फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आता है कई मरीज डिप्रेशन में चले जाते हैं सो देर आर वेज टू मेक देम कंफर्टेबल टू डिस्कस विद देन। वी हैव वेरी एक्टिव सपोर्ट ग्रुप सो सपोर्ट ग्रुप ऐसा है कि अगर मेरे पास कोई एक फोर्टी ईयर ओल्ड टीचर आ रही है तो मेरी जो पुरानी कोई टीचर पेशेंट है जो उसी एज ग्रुप की है आई वुड कनेक्ट बोथ ऑफ दे राइट सो दैट उनका प्रोफेशन सेम है सो so अंडरस्टैंड कि क्या प्रोफेशनल चेंजेस लाने पड़ेंगे या उनके पढ़ाने में क्या डिफरेंस आएगा या घर संभालने में क्या डिफरेंस आएगा सो दे बोथ बिकम देअर कैंसर बडीज अपना एक दूसरे को हेल्प करते हैं एंड वी सुपरवाइज दैट इस काफी हेल्प और सपोर्ट हो जाता होगा इनिशियल yeah. में एंड जैसे कि काफी सारी मिथ्स रहती हैं काफी सारे बेस्ट कैंसर जिनको भी होता है जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं कि ये इस वजह से हो गया है

तो ये बात है कि मतलब क्या पहले से प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर हमें जैसे स्क्रीनिंग वगैरह या तो क्या होना चाहिए ऐसा सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल राइट ईट अ बैलेंस्ड डाइट वेट कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक एंड रेगुलर स्क्रीनिंग सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम रेकमेंड करते हैं आफ्टर ट्वेंटी एवरी मंथ अ लेडी शुड डू दैट राइट एंड आफ्टर फोर्टी आप करवाएं और साल में एक बार एक ब्रेस्ट सर्जन ओके okay, तो ये कुछ प्रीकॉशन डेयर इनिशियल नहीं लेते लोग एंड बाद में जाके होता है, तो तो, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के बारे में एग्जामिनेशन काफी लोगों को नहीं पता होता कि भाई करना चाहिए बट आई थिंक इट्स ओके सर एंड इम्पोर्टेंट बात अब थोड़ा लाइफ की तरफ चल रहे हैं कि ऐसे मेडिकल लाइफ रही होगी सो हाउ हॉस्टल और नॉट नहीं सो so, देखो uh, हमारा फर्स्ट बैच था सबदजंग में इट वॉज अ न्यू कॉलेज राइट सो बोथ मी एंड डॉक्टर ऑल थ्रू आउट राइट बिकॉज माई होम वॉज जस्ट थ्री फोर किलोमीटर अवे सो आई वॉज अ डे स्कॉलर आई हैव नॉट स्टेड इन द हॉस्टल एंड दैट इज समथिंग विच आई रिग्रेट मे बी बिकॉज वो जो मजे आप हॉस्टल में करते हो जो बॉन्डिंग हॉस्टल में होती है वो कहीं मैंने मिस की है

Uh, जो आप uh, अपने दोस्तों से बॉन्ड कर पाते हो सो so समेर yes, uh, पढ़ाई कम होती है <laughs> बाकी सर, बात की, अ, अगर अ, बात करें कॉलेज लाइफ में तो काफी लोग पीजी की तैयारी स्टार्ट देते हैं सेकेंड थर्ड ईयर से कोशिश करते हैं कि मतलब जोश होता है शुरू शुरू में तो आपको क्या लगता है बेस्ट क्या कौन सा ईयर होना चाहिए कि थोड़ा सीरियस हो जाए चीजों के लिए देखो बेटा ये चीज मैं हर सबको हर वक्त बताता हूँ वॉट एवर यूर रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज वो सब एग्जाम के लिए जरूरी है ना वही चीज तो एग्जाम में पूछी जा रही है तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अलग से तैयारी क्या अलग से तैयारी कर रहे हो इट्स दैट कोर्स ओनली जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा सो इट्स बेटर टू बिल्ड गुड कॉन्सेप्ट राइट अटेंड योर क्लासेस इन कॉलेज अटेंड द क्लिनिक्स इन कॉलेज एंड अब आजकल इतनी अवेयरनेस है हमारे टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी आज इतनी गाइडेंस अवेलेबल है सो चूज एनी वन गाइडेंस प्लेटफॉर्म एनी वन पर्सन हुम यू वांट टू फॉलो एंड जैसा वो कहते हैं उन चीजों को एडिशनल करते रहिए बाकी तो अपना कॉलेज अटेंड करो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो कॉलेज में कम जा रहे हैं क्लासेस कम अटेंड कर रहे हैं क्लिनिक्स कम अटेंड कर रहे हैं एंड दैट वी कैन क्लियरली सी एस टीचर्स बिकॉज द काइंड ऑफ थिंगन वेन यू प्रैक्टिकली सी थिंग्स दो वॉट लैकिंग इन स्टूडेंट दीज और बाकी सर जैसे कि अगर बात रही कि वीडियोस की जैसे काफी लोग ये होते हैं ना कि वीडियोस के फॉर्मेट में हमें ऐसा लगता है कि एम सी क्यू बेस्ड काफी चीजें होती है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू जैसे एप्स वगैरह भी आपको पता है लॉन्च ऑलरेडी है अभी पढ़ाते हो बट जैसे अगर उन वीडियोस में हमें ऐसा लगता है कभी कभी ज्यादा पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू बेसिस है तो अगर हम उनको करके मतलब प्रॉफ्स के अकॉर्डिंग हम उनसे पढ़ सकते हैं exactly एग्जैक्टली हमें थोड़ा और स्पेशल अब आप, आपने ऐसे बोला बुक तो पढ़नी है मोटी मोटी चीजें दोनों में सेम है प्रॉफ और एमसीक्यू के लिए लिखने का ढंग अलग है एग्जाम का राइट सो अधिकतर चीजें आप उससे कर सकते हो बट आई वुड स्टिल रेकमेंड दैट इफ यू रीड सम अमाउंट ऑफ बुक्स अटेंड योर कॉलेज लेक्चर्स कई टीचर्स कॉलेज में भी अच्छा होते हैं राइट सो ये समझना कि सारे टीचर्स कॉलेज में अच्छा नहीं पढ़ा इज नॉट ट्रू देर आर सर्टन टीचर्स हु विल रियली इन्फ्लुएंस यू इन लाइफ एंड गुड टीचर्स सो प्लीज अटेंड मेक नोट्स ऑफ बिकॉज दैट वुड हेल्प यू इन बोथ द एग्जाम्स एंड सर जैसे कि पीजी नेक्स्ट आ रहा था अभी बीच में ऐसे हो गए काफी लोग ये हो गए थे कि भाई कैंसिल करो कैंसिल करो सो अकॉर्डिंग टू यू विच इज बेटर की मतलब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट अगर आ जाता तो मतलब ये दिक्कत हो जाएगी क्या स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा First of all, I am no one to decide. Okay? these policies are not made by me, and I have no contacts in the government to make these policies. So, whatever the government decides, um, I think so for a student. And this is something which I want to tell you um, very importantly. My professor had that change is the only constant thing, right? And the only thing which settles down is dust. Okay? So, this thinking that one system जिंदगी भर वो गलत है चेंज होता रहेगा सिस्टम और सिस्टम में चेंज जब होगा तो ना तो सबसे टैलेंटेड बच्चा अच्छा करेगा ना सबसे हार्डवर्किंग बच्चा अच्छा करेगा जो सबसे अडेप्टेबल बच्चा होगा ना जो उस चेंज को जल्दी अडेप्ट कर जाएगा दे विल डू वेल जो कम क्रिब करेगा आधे बच्चे क्या है कि जब भी चेंज होता है वो सोशल मीडिया पे आके क्रिब करने लग जाते हैं जो बंदा अडेप्टेबल है ना वो बैठेगा शांत मन से

रिप्लाइज अनफॉर्चुनेटली आई के नॉट गिव एवरी वन बिकॉज कई चीज आपको समझनेग्राम में हिडन मैसेजेस में चली जाती है जो हमें दिखती भी नहीं है उसके लिए भी हमें सर्च करना पड़ता है सो डोट थिंक आई डोंट रिप्लाई टू यू इट जस्ट दैट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड समाइम्स आई डोंट सी मैसेजेस की आपको रिप्लाई नहीं आता तो मैं बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को कि मेरे को मिल गया रिप्लाई <laughs> एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज काफी लोग सोचते हैं कि सर्जन बहुत ज्यादा मतलब सोचते हैं है,

हम लोगों को इतने मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के कि वो स्ट्रीम डिसाइड करने से पहले हमको ये मैसेज करके पूछते हैं कि किस स्ट्रीम में मुझे सबसे पहले बी मिलेगी या मर्सिडीज मिलेगी सो वो गलत नजरिया है आगे बढ़ने का आई नेवर गॉट इन टीचिंग थिंकिंग दैट आई विल अर्न मोर मनी इट वॉज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग बिकॉज आई वॉज इंजॉयिंग इट एंड आई वॉज गुड एट इट सो ट्राई टू बी गुड एट अ थिंक

राइट एज अ पर्सनैलिटी तो मैं नहीं टेस्ट कर रहा हूँ यूएस में आपको एग्जाम भी क्लियर करने हैं आपको अपने वहां का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी दिखाना है इंटरव्यू के लिए भी जाना है रिसर्च भी दिखानी है सो इट इज अ मोर होलिस्टिक एग्जाम एंड इवेल्युएशन एज कम्पेयर टू द इंडियन पीजी एग्जाम ओके तो थोड़ा, मतलब वो है कि जिसको अगर एक ही तरफ थोड़ा फोकस करें थो बेटर उस में. Okay, is, जो कि ये तो बेटर रहेगा उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ जस्ट फैक्ट्स राइट सो बहुत ही कम कॉन्सेप्ट वाली चीज है एंड वो फैक्ट्स हर साल बदल रहे हैं सो इट्स ए ड्राई सब्जेक्ट आई मीन आई वे इट्स

तो उनको क्या आप बोलना चाहोगे कि भाई थोड़ा कर लो अच्छे से तो आई थिंक सो इफ आई कम सर्जरी वर्सेज मेडिसिन सर्जरी में कंटेंट काफी कम है एज कम्पेयर टू मेडिसिन एंड काफी चीजें समझने वाली हैं राइट right? uh, एक चैलेंज जो बच्चों को इसलिए लगता है बिकॉज इधर अनाटमी ज्यादा आ जाती है एंड वो जो अनाटमी का फियर फर्स्ट ईयर वाला ना वो किक इन कर जाता है कि मुझे तो अनाटमी याद ही नहीं है बट अगर आप एक सर्जन के नजरिए से अनाटमी देखोगे देन इट इज वेरी एक्साइटिंग

But uh, then I think so eventually during internship, we thought that it would be best that if we are together. Okay. So, so you came into a relationship in internship? In internship. Okay, best friends. Best? best friends. Best friends. And when marriage? you get So, uh, we got engaged at the end of internship and I got married at the end of first year. Oh, first year. <laughs> <Child laughs> <marriage. laughs>

राइट बिकॉज दीज आर योर फ्रेंडशिप विच आर गोइंट टू लास्ट टर्म एंड नॉर्मली क्या होता है फर्स्ट ईयर में सब एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं जान रहे होते हैं बड़ा सा ग्रुप बन जाता है पच्चीस तीस लोगों का ठीक है थर्ड ईयर में उनके रिलेशनशिप बनने चालू हो जाते हैं तो वो ग्रुप कम 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 होता रहता है इवेंचुअली बाई इंटर्नशिप एंड फाइनल ईयर दैट ग्रुप इज ऑफ सेवन टू एट टेन पीपल मैक्सिमम बट वो लोग जो है ना वो आपके जिंदगी भर साथ देंगे एंड

थैंक यू सर उसके लिए तो एंड uh, एक चीज मैं आपको देना चाहता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर फ्रॉम सॉरीपिंग थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर कीपिंग यू 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 वेटिंग सो लॉन्ग बट प्लेजर टॉकिंग टू मैं इसके लिए थैंक बोलना चाहता हूँ आपको क्योंकि मुझे पता है ना हम कैसे शूट कर रहे हैं क्योंकि सर इतने बिजी है आई नो कि उसके बाद भी आपने टाइम निकाला एंड अपने वैल्यूएबल आपने जो इंस्पिरेशन आप दे रहे हो सबको पहली बात तो जो पढ़ा रहे हो आप अभी आपने देखा नहीं आके कि सर की ओपीडी कितनी ज्यादा भरी हुई है बट फिर भी आप जो टीचिंग के थ्रू भी इंस्पायर कर रहे हो अपने स्टूडेंट्स को उसके भी थैंक यू सर थैंक यू एंड डेफिनेटली आगे भी कुछ करेंगे